नवाबों के घरों का मुरासला और उनके घरों पे रेड। तीन मर्डर पे नॉमिनेटेड है। अब मेरे घर आजी साहब मेरे घर की मुझे बुलाता है। उन बंदों को आप पुलिस पकड़ के ले जाती है बच्चों को, और वो डिलीवर किसको होते हैं? कई बार शिफ्ट किए जाते हैं जी। कहाँ पे? वो पकड़ के पुलिस लाती है। ठीक है। हवाले उमर बाप के होते हैं। संगीन इल्जाम है, बहुत बड़ा इल्जाम है। सिंध के दो इतने हजार एक्सपॉन्डर्स को पकड़ने के लिए क्या आईजी साहब का कोई दिल नहीं जाग रहा था? कंबल डिस्ट्रिक्ट में जितने पुलिस वाले चांडियों सबको सस्पेंड करके हटाया गया उनको। लेकिन नवाब साहब बात यह है कि अगर एक फैमिली जो वो इस तरह के क्रिमिनल हैं कि उन्होंने फोन भी किए हुए हैं, वो मंशात भी फरोश भी हैं, वो एक्सपॉन्डर भी हैं, फिर आप उन्हीं के घर जाकर उन्हीं के घर का इफ्तिताह करते हैं, वहाँ मेयर जाते हैं, जबकि आपको पता भी कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी अदालत प्रोग्राम के साथ मैं हूँ ज़ुहैब ज़रदारी, और आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के MPA नवाब सरदार खान चांडियो साहब। उनसे जो मौजूदा हालात हैं उन पर भी बात करेंगे, ख़ास तौर पर जो मेहड़ में तीन अफराद का कत्ल हुआ था तो उनका इल्ज़ाम इन पर है, या इनसे जुड़े हुए जितने मामलात हैं उन पर बात करेंगे और हकायक जानने की हम कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर अभी कुछ दिन पहले ही नवाब साहब के घरों पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, तो वहाँ से चले एक्सपॉन्डर तो नहीं मिले, लेकिन उसकी भी वजूहत जानने की हम कोशिश करेंगे। नवाब साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। तो शुरुआत भी हम इसी रेड वाले मामला से करें कि आपके घर पर सर्च ऑपरेशन हुआ, वहाँ से कुछ मिला तो नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये किस सोच के तहत आपके घरों में सर्च ऑपरेशन किया गया, जबकि आप दोनों भाई बेल पर हैं, ऑलरेडी नॉमिनेटेड तो हैं उस FIR में लेकिन बेल पर हैं, तो उसके बावजूद भी आप लोगों के घर पे सर्च ऑपरेशन हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही, मैं आपको कुछ इस सर्च ऑपरेशन से पहले वाले किसे को थोड़ा डिफाइन करना करूँगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे तो ये कहाँ जा रहा है। जब ये इंसिडेंट हुआ मेहड़ में, मेरा भाई बुरहान खान, वो यहाँ मेहड़ से कोई 350-400 किलोमीटर के करीब सोबो खान चांडियो गांव है, जो में अपना खैर टंडो मोहम्मद खान और बदीन ज़िले के बॉर्डर पर है। हमारे पहले MPA साहब होते थे अली नवाज चांडियो साहब, ये अली नवाज चांडियो साहब का गांव था और उनके बड़े भाई रसूल बख्श खान चांडियो ने वो वहाँ दावत की थी। एक दिन पहले हमें उसका इत्तला दिया कि आपके पास दावत है, आप आ जाए। तो मैंने बुरहान, मेरा छोटा भाई है उस टाइम, मेरे पास जो है ना हिजाइन शेख नहान बिन जायद हमारे इलाके में जैसे आते शिकार के लिए, वो वहाँ पर मौजूद थे, मैं उनके कैंप में था, हमारे डिग्निटरी थे, मेहमान थे, तो मैं उनके साथ बिजी था। मैंने बुरहान को भेजा, बुरहान वहाँ गए। बुरहान जब वहाँ गए रात को, मैं खान में बुरहान हमारे अभी के नौशेर व फिरोज़ के जो अभी MP हैं, तब वो वहाँ पे शायद मैं खान में जनरल सेक्रेटरी थे हमारे नौशेर व फिरोज़ के, या डिवीज़न के शायद मुमताज़ चांडियो साहब, उस टाइम वो MPA नहीं थे। उनके घर पे रायश हुई है सुबह को, बुरहान मुमताज़ चांडियो साहब ये लोग 7-9 बजे के करीब, वहाँ से 9:15 बजे के करीब निकले हैं टंडो मोहम्मद खान के लिए। जैसे ही वहाँ पहुँचे कोई 10:45 बजे के करीब उस गांव शहर में, वहाँ पे उनको रिसीव जो करने वाला था वो हमारा DIG नहीं हैदराबाद DIG हैदराबाद ओढ़ो साहब, जावेद आलम ओढ़ो साहब, उन्होंने उनको रिसीव किया। बुरहान को भी उधर जावेद आलम ओढ़ो साहब ने बाहर निकल के बोला कि यार आपके ऊपर तो वो FIR की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि आपने ये किया। इन दिनों में ये इन बीच में मर्डर हो चुके थे, 9 बजे मर्डर हुए, 10:45 बजे बुरहान वहाँ पहुँचा। इस बीच में ये लोग ये बातें इन लोगों की शुरू हो गई थी कि जी ये आपने, बुरहान ने उसको बोला दादा मैं तो आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, आप मुझे बताएं मैं 1.5 घंटे में किस में पहुँचा है, वहाँ से जहाज़ में आया, फ्लाइट में आया, कैसे आया। जैसे वो अदी आज किसी एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी वो फ़ोन वहाँ छोड़ के आए थे और ख़ुद यहाँ हरकत करके गए, तो यार फ़ोन तो अपनी जगह पर है, पिक्स वीडियो मीडिया सब चीज़ वहाँ मौजूद, प्लस चीफ मिनिस्टर सिंध खुद इस चीज़ की गवाही दे सकता है, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप उनसे पूछ लें।
सिकंदर मेंद्रो साहब मिनिस्टर हेल्थ थे, वो वहाँ मौजूद थे जब बुरहान पहुँचे। एमपीए जुल्फकार शाह साहब एक मुतबर शख्सियत हैं, वो उनसे आप पूछेंगे वो भी आपको उस चीज़ की गवाही देंगे, वो भी उनके साथ वहीं पे मौजूद थे। तो ये एक इस तरह की कहानी हुई। खैर केस चला, इन्वेस्टिगेशन हुई, हमने इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का हमने इन्वेस्टिगेशन में रहे, ये जो पीर मुंशा वाली जी जी उसमें हम ज्वाइन हुए, पेश हुए, सब बयान दिए, उन्होंने इंक्वायरी की। उसने बुरहान को उसी टाइम बोला कि भाई तुम्हारी तो पूरी लोकेशंस और हर चीज जो फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर है। मुझे उन्होंने बोला कि आपके पास एक टेलीफोन है, आप वो टेलीफोन हमें चाहिए, उस पर एक मैसेज आया। मैंने उनको बोला भाई मेरे पास इस टाइम वो फोन नहीं, क्योंकि वो एक छोटा फोन है और जहां से मैं मेरा फार्म है वहां से कोई रापता नहीं होता था, तो वो एक छोटा सा चाइनीज क्यू मोबाइल का फोन होता था जिसपे वो कीपैड वाला जी हाँ, वो उस पर हम अगर अब एक रापते के लिए एक फोन होता था जिस नंबर को हम इस्तेमाल करते थे, जो मेरा एक नंबर था 0300-34-00-800। पीरमोहन शाह साहब ने मुझे बोला कि जी आप इसको वो हमें फ़ोन चाहिए। तो मैंने उनको कहा मेरे पास अभी फ़ोन अवेलेबल नहीं है, मैं मंगवाता हूँ फ़ोन और आपको एज इट इज़ हैंड ओवर करता हूँ। वो फ़ोन सिर्फ आप वहाँ गड़तल वहाँ इस्तेमाल करते हैं बस, क्योंकि वो फ़ोन वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता और कोई इसका तरीके का फ़ोन का नहीं है। ये स्मार्टफोन वहाँ पे चलते नहीं थे। तो वो मैसेज में था क्या, किस मैं आपको बताता हूँ, आता हूँ उस मैसेज को। वो मैंने फ़ोन मंगाया, मैं कराची आया, मैंने वो फ़ोन मंगवा के अपने बंदे के थ्रू वो फ़ोन मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएसपी जो वहाँ पे था उसको हैंड ओवर किया एज इट इज। उन्होंने वो फ़ोन लिया, उन्होंने फॉरेंसिक कराई, जो भी उसमें डेटा चाहिए था उन्होंने खोला, वो निकाला, देखा जो भी था। वो जो मैसेज उस टाइम मैंने वो मैसेज भी नहीं देखा था, जो मैं आपको बताऊं कि मैंने वो मैसेज देखा था। मैसेज मुझे तब पता चला जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में उस चालान में वो मैसेज लिखा लगा हुआ था। तब आप कहाँ थे, गड़तल में नहीं थे आप कहीं? जी मैं गड़तल में था जब मैं गड़तल में था वहाँ मौजूद। लेकिन आपने वो मैसेज चेक नहीं किया? नहीं नहीं, मैसेज वो साइलेंट पे फोन होता है, मैसेज आता है, मैं चेक किया। एक रिंग आई, हेलो किया, वो आवाज़ उस पर नहीं आई। एक दो सेकेंड की कॉल थी, उसमें कोई ऐसी अगर होती तो रिकॉर्ड तो आ जाती, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। हमने फ़ोन वो जब दिया तो उसमें वो मैसेज आया, उन्होंने खोला कि वो जो चालान में लिखा हुआ मैसेज था कि जी हमारा और मुख्तियार वालों का झगड़ा हो गया है, हमारा भी आदमी का नुकसान हुआ हुआ, एक बंदा शायद ऐसे ऐसा कुछ लिखा हुआ था, मैंने अभी तक उसको देखा पूरा तरीके से नहीं है। और हमारे मेरा घर है मेहड़ में, उधर मेरे बच्चे हैं, ऐसे नहीं हो कि मेरे बच्चों के साथ कोई हरकत हो, हमारी मदद पुलिस से बात करें आप। दिस वॉज इस मैसेज। अब वो भेजने वाले ने मैसेज किया, इससे ज़्यादा कोई मैसेज नहीं है, रिस्पांस भी नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, ना मैंने उसको कोई रिप्लाई किया, न कभी मैंने उसको कोई मैसेजेस किए, और ना ही इस मामले पर आपके पुलिस से बात हुई, क्योंकि आपने बिल्कुल वो उन्होंने पुलिस देखा, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। ठीक, साईं को बुरहान को जो 169 में उन्होंने निकाल दिया, एज सच मेरे ऊपर ना कोई एविडेंस था और ना कोई उस चीज का, और कोई इस मैसेज के, उस मैसेज को उन्होंने उठा के ये रखा। फिर लेकिन चालान जब हुआ तो उन्होंने मुझे बी क्लास पे रखा और कहा कि जी कोर्ट अगर चाहे तो इनको ज्वाइन करा ले, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक चला, केस ऑन हुआ, केस चला, जिस तारीख पे हम जाएं उस तारीख पे ये नहीं आए। एक महीने डेढ़ के बाद जिस दिन चालान पेश हुआ उस दिन हम गए, तो वो चालान जिस दिन पेश हुआ वो हमारा चालान एक्सेप्ट किया गया, गवर्नमेंट का चालान था, इनका कोई आने के लिए तैयार नहीं था वहाँ पे। उस जज के ऊपर उन्होंने एक वो डाल दिया कि जी पहले चांडियो साहबान को इसने बेल दी है उसमें अपना इंटीरियम, इस वजह से ये बाइस्ड है, इसको उठा के उन्होंने चेंज करने की उन्होंने। ठीक है भाई, हम फारिग हो गए, कोर्ट गए, हाई कोर्ट से फिर बुरहान का हाई कोर्ट से हमें ज्वाइन करा गया, लेकिन उसमें भी मेरा कोई क्या कहते हैं, कोर्ट ने जमानत नहीं मारी, उसमें जमानत
प्रोवोक की गई बुरहान की, जिसकी फिर हमने सुप्रीम कोर्ट से जाके वो जमानत बहाल कराई। इलेक्शन के दिन थे और हम अपने इलेक्शन वाले मसले में फंसे हुए थे। खैर ये बातें आगे चली। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ये क्या पस मंजर है आपके घर के तक जाने का, उसका पस मंजर ये है कि जितने भी केसेस आज तक उन फरीकों पे जो ओपोनेंट हैं, आप खोलेंगे कि वो एक तवील लिस्ट होगी फरियाद की, केसेस की। आप उमर बाप के वर्षा की बात करें, उमर बाप के लोगों से, फैमिली से, उनके चाचाओं से, इस इंसिडेंट के बाद की कोई 30 से 35 केसेस हैं जो टाइमली होते गए और टाइमली जजेस ने उन केसेस को फारिग करते रहे। झूठी FIR इन्होंने कटवाई सिर्फ इस वजह इसको कि दुनिया को दिखाने के लिए कि जी हमें खतरा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें खतरा है, थ्रेट किया जा रहा है। और उस थ्रेट की वजह पे उन्होंने जाके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, हमें थ्रेट है, ये FIR है, कोर्ट ने उनको ये पुलिस मोबाइल और सिक्योरिटी दी। तो एक पहले से वो जो है बैकग्राउंड बना के उसको आगे चलने की कहानियां इनकी ऐसे शुरू हुई। मैं आपको एक रज करूं, उसके बाद ये जो आप कह रहे ना कि ये क्या कहानी है, उससे 2-4 दिन पहले मुझसे IG साहब की मुलाकात हुई है। IG साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप उनसे लोगों को इनको सिलेंडर कराने की कोशिश किए। पहले तो मैंने IG साहब को बोला, साईं मैं ये इन्वॉल्व किया गया है, ये आप भी जानते हो, आप किसी को हमारे इस माशरे में, हम अपने बलूची माशरे में जहाँ बैठे हैं, आप किसी को इन्वॉल्व करते हो तो उस पर प्रूफ करो, ठीक है ना। आप जिसको इन्वॉल्व करते हो फिर उससे मदद नहीं मांगते, तो आप मुझसे मगर मदद मांगने की बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको ये दूंगा कि आप मालिकों से बात करें। उनका एक सिपाही है, सिपाही है या ड्राइवर है तो पाकिस्तान फौज का, और फ्रंट लाइन पर है कश्मीर में।